स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा के उपरांत नामांकन भरने की प्रक्रिया जोर शोर से प्रारंभ कर दी गई है, जिसके चलते आज करनाल के लघु सचिवालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहुंचकर करनाल विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस अवसर पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के वक्त हरियाणा सरकार में मंत्री रहे रामविलास शर्मा, करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता, ब्रिज गुप्ता, सांसद रतनलाल कटारिया, सांसद नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रक्रिया को पूरे करते हुए एसडीएम नरेंद्र मलिक को अपना नामांकन पत्र सुपुर्द किया, जिन्होंने नामांकन पत्र की जांच पड़ताल कर करनाल सीट के लिए मुख्यमंत्री व करनाल के उम्मीदवार मनोहर लाल का नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र की सरकार जिस तरह कार्य कर रही है उसी तर्ज पर हरियाणा की सरकार भी चौमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए गए हैं और पिछले 5 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। योगी आदित्यनाथ विशेषकर करनाल में मुख्यमंत्री एवं करनाल से प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर का नामांकन पत्र भरवाने के लिए पहुंचे थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लघु सचिवालय के बाहर मौजूद रहे। सब लोग करेंगे और उसमें आसपास के बाकी लोग आने वाले हैं, और जाएंगे हमारे खासकर आएंगे। मुझे लगता है कि जनता पहले की अपेक्षा कहीं ना कहीं लगता है कि टिकट आवंटन के बाद कहीं ना कहीं जो टिकट एस्पिरेंट्स में रिजेंटमेंट है। देखिए, रिजेंटमेंट नहीं होती, लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार एक चाह जो ज्यादा बनी हुई है, एक अच्छा वातावरण है और स्वाभाविक है ऐसे अवसर के ऊपर इच्छा रखने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं। सबको पता है कि एक विधानसभा क्षेत्र से एक ही कार्यकर्ता, एक ही व्यक्ति प्रत्याशी होगा, बाकी सब उस प्रकार से बातचीत हो गई है। कहीं छोटा मोटा अगर विषय है तो हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं और बाकी सब लोगों ने कहा जिस तरीके से ओपोजिशन ये कह रहे हैं कि जोश में हमने चुनाव कह रहे थे कि हमने लास्ट गेट पे छक्का लगा दिया है, किस तरीके से देखते हैं ओपोजिशन को अपने टारगेट? ये सारा विषय विपक्ष क्या कहता क्या नहीं उसकी चिंता नहीं है, हमारे वो नीचे कर लो यार, क्या कर लो नीचे कर लो भाई, नीचे कर लो और जनता जो है वो इसका निर्णय करे। आगे होते हुए भी यार इस तरह तक रुपये की या 75+ की जो बात है जो हमने जनता के जिम्मे छोड़ा है, प्लस वाले विषय जनता की आका तक देख रहे हैं। ये जनता योगी जी क्या कहना चाहेंगे, पड़ोसी राज्य हैं, मुख्यमंत्री जी को आप शुभकामनाएं देने आए, नॉमिनेशन में पहुंचे, क्या कहेंगे? नामांकन के लिए 5 वर्ष में क्या ईमानदारी जिस सहजता सरलता की मोबाइल बड़े थल्ले कर लूंगा प्लीज, परिश्रम पहचान चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। कोई संदेह नहीं है कि 75+ का जो नारा हरियाणा के संदर्भ में दिया गया है और जो उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं में है, नागरिकों में है, मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 5 वर्ष के दौरान जो उपलब्धियाँ हरियाणा ने हासिल की हैं, अवश्य 75+ का लक्ष्य प्राप्त होगा। एक शानदार कार्यकाल के लिए मनोहर लाल जी को बधाई और अभी सरकार के लिए भी शुभकामना देने के लिए मैं विशेष तौर पर देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लोगों में अपार उत्साह है, पूरे हरियाणा में उत्साह है और हरियाणा एक बार पुनः उनके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में फिर से बनेगी, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 75+ का लक्ष्य प्राप्त करेगी। तो योगी सर आप दोबारा चुनाव प्रचार के लिए JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।